हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो कुछ दिन पहले मुझे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के रिमास्टर्ड वर्जन को देखने का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊं आप लोग के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ये जो रिमास्टर्ड वर्जन है, इसमें डिफरेंस क्या है? क्या इसका रन टाइम ज़्यादा है? क्या अल्टीमेट एडिशन से ज़्यादा इसका रन टाइम है? तो इन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले गाइज, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रेजोल्यूशन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है 4:3 और दूसरा होता है 16:9। तो जैक स्नाइडर की जो जस्टिस लीग है वो 4:3 रेशियो में मूवी थी, इसीलिए जब आपने उसको अपने लैपटॉप में या अपने सेलफोन में प्ले किया होगा तो आपने गौर किया होगा स्क्रीन के साइड में ब्लैक कॉलम्स आ जाते हैं। लेकिन हमारी आजकल की जो स्क्रीन्स हैं टीवी की, लैपटॉप की या थिएटर्स की, वो 16:9 के रेशियो में होती हैं, जो ज़्यादा वाइड होता है। अच्छा, ये जो 4:3 का रेशियो जो स्नाइडर कट का था, ये दरअसल इस वजह से था कि जैक स्नाइडर ने पूरी मूवी को आईमैक्स स्क्रीन्स के लिए फिल्म किया था। आईमैक्स की जो स्क्रीन होती है वो वाइड के बजाय थोड़ी सी स्क्वायर होती है, लेकिन जब नॉन आईमैक्स स्क्रीन्स पर ये रिलीज की जाती है मूवीज, यानी कि अदर थिएटर्स में, तो होता क्या है, इस मूवी को कन्वर्ट कर दिया जाता है 16:9 में। इससे होता क्या है कि स्क्रीन का अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन जो हमारे वीडियो का होता है वो काफी ज्यादा कहे तो हट जाता है। लेकिन जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग रिलीज हुई थी तो उन्होंने आईमैक्स वर्जन में ही उसे रिलीज किया था। तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के रिमास्टर्ड वर्जन के साथ भी ऐसा ही है कि इस मूवी के कुछ सीन्स, पूरी मूवी नहीं, स्नाइडर कट तो पूरी की पूरी 4:3 के रेशियो में थी, लेकिन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का जो रिमास्टर्ड वर्जन है उसका 20 से 25 मिनट हमारा 4:3 रेशियो में है। एग्जाम्पल के तौर पे जो ओपनिंग सीन है जिसमें ब्रूस के पेरेंट्स मारे जाते हैं, और जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जहाँ पे फाइट करते हैं वो वाला सीन, और जो नाइटमेयर सीन है, इन सबको स्पेशली जैक स्नाइडर ने आईमैक्स की स्क्रीन के लिए फिल्म किया था। तो जो रिमास्टर्ड वर्जन है इसमें ये सीन्स हमको 4:3 के रेशियो में दिखते हैं। अब इससे होता क्या है कि वाइड के बजाय ये सीन्स स्क्वायर में जब आ जाते हैं तो हमें ज़्यादा डिटेलिंग दिखती है बैकग्राउंड की। अब इसका जो रन टाइम है वो अल्टीमेट एडिशन ही की ही तरह है, लेकिन ये जो 4:3 वाले जितने सीन्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट के ही हैं, बाकी मूवी अल्टीमेट एडिशन की तरह ही है। मैं एक्सप्लेन करने के लिए गाइज आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए पिक्स दिखाता हूँ। तो ये आप सबसे पहली पिक देखिए, ये वाला सीन है जब मार्था वेन को मारा जाता है मूवी के ओपनिंग सीन में। तो ऊपर जो आपको गाइस फोटो दिख रही है ये ओरिजिनल वर्जन है जो हमें थिएटर में और अल्टीमेट एडिशन में दिखी थी, लेकिन नीचे जो वाली जो पिक है ये रिमास्टर्ड वर्जन की है। आप देख रहे हैं नीचे वाला जो वर्जन है वो 4:3 रेशियो का है, और आप देख रहे हो कि आपको डिटेल ज्यादा दिख रही है, यानी नेकलेस के पास की जो डिटेलिंग है वो ज्यादा दिख रही है। एक और मैं आपको रेफरेंस के लिए पिक देता हूँ, ये वाली जब सुपरमैन के ऊपर क्रिप्टोनियन गैस से अटैक करता है बैटमैन, और फिर वो उठ के जब पंच करता है बैटमैन को, तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो वर्जन है वो ओरिजिनल सीन है जो हमारे थिएटर वर्जन और अल्टीमेट एडिशन में था, लेकिन नीचे वाला जो है वो रीमास्टर्ड वर्जन का है। आप देखने का ही ज़्यादा डिटेलिंग है, स्क्रीन ज़्यादा हमको दिख रही है। एक और दिखाता हूँ आपको, ये पिक देखिए आप बैटमैन के आर्मर को। ओरिजिनल सीन जो था हमारा थिएटर वाला, उसमें आप देख रहे हो कि पूरा टॉर्सो हमको नहीं दिख रहा है, चेस्ट के बस थोड़ा ही से नीचे हमको इसका सूट दिख रहा है, लेकिन जब आप रिमास्टर्ड वर्जन को देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि टॉर्सो पूरा का पूरा इसका दिख रहा है, डिटेलिंग ज्यादा दिख रही है। इससे होता क्या है, थोड़ा सा आपको और ज्यादा बेटर लगेगा, और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग अगर आपने देखी है तो ये आपको ज्यादा बेटर लगेगी क्योंकि ज्यादा डिटेलिंग दिखाई जाती है कि सूट कितना बेटर था इनका और सराउंडिंग्स कितनी ज्यादा बेटर थी। लेकिन पूरी की पूरी मूवी 4:3 रेशियो में नहीं है, जैसा कि मैंने बताया केवल 20 से 25 मिनट ही ऐसा है। और जो नाइटमेयर वाला सीन है इसमें 4:3 रेशियो में, उसकी कलर ग्रेडिंग में थोड़ा सा फर्क है, यानी कि हालांकि एक झलक में आप देखेंगे तो आपको ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग में कलर को थोड़ा सा शार्प किया गया है, यानी ब्लैक वाले को थोड़ा और ज्यादा ब्लैक किया गया है, लाइट टोन को थोड़ा और ज्यादा लाइट टोन किया गया है, ज्यादा कंट्रास्टिंग किया गया है कलर ग्रेडिंग इसकी। और जैसा मैंने बताया रन टाइम तो अल्टीमेट एडिशन की ही तरह है, लेकिन
रियल विजन जो था जैक स्नाइडर का, वो दरअसल रिमास्टर्ड वर्जन जो आपको दिख रहेगा, यही रियल विजन है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का जो जैक स्नाइडर का था। तो काफी ज्यादा खुशी की बात है कि ये हम लोग को देखने को मिला, और स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है जैसा मैंने बताया, रन टाइम तो सेम ही है। तो अगर आपको मौका मिले तो जरूर इसको देखिएगा। और जब ये 4:3 वाले सीन्स गाइस जब आपको दिखेंगे तो आपको एक थोड़ा अच्छा फील आएगा और ज्यादा, यानी जो गूज बम्स वाले जो लेवल है आपके दिल में, वो थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएंगे ये सीन्स देख के। तो यही है छोटा सा रिव्यू। मैं कोई स्टोरी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसकी, क्योंकि स्टोरी से आप वाकिफ हैं और मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पे। तो क्या आपने रिमास्टर्ड वर्जन देखा है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।